बच्चों सौ सब मिनट गति का डिक्टेशन यस yes, स्टार्ट इस साल का अब सप्ताह भर शेष रह गया है तो इस साल की पड़ताल और नौ वर्ष से उम्मीदों का आकलन बहुत स्वाभाविक है इस साल महामारी से लगभग मुक्ति मिल चुकी थी लेकिन वर्ष बीतते बीतते चीन से कुछ खतरनाक संकेत सामने आने लगे हैं फरवरी में यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध के भी वर्ष तक शांत पड़ने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं इस युद्ध ने पूरी दुनिया में राजनीतिक एवं आर्थिक समीकरण बिगाड़ दिए वैसे तो वैश्विक घटनाक्रम से भारत का अछूता रह पाना भी असंभव है लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारत अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहा इसी साल भारत ने अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और यह भी एक सुखद संयोग रहा कि इसी वर्ष एक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने उस ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया जिसने वर्षों तक भारत को अपना उपनिवेश बना रखा इसी साल भारत को जी ट्वेंटी समूह की अध्यक्षता मिली तो अगले साल पूरी दुनिया की निगाहें भी उस पर टिकी रहेंगी कि दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में वह कैसे जी ट्वेंटी समूह को सार्थक नेतृत्व प्रदान कर वैश्विक समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिका निभाएगा इस पहलू का निर्धारण काफी हद तक भारत के अपने प्रदर्शन पर भी निर्भर होगा दिसंबर उन्नीस में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक प्रतिकूलताओं से निपटने के लिए भारत अच्छी तरह से तैयार है यह इसीलिए संभव हुआ क्योंकि बीते आठ वर्षों में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सहित तमाम नीतियां फलदायी सिद्ध हुई हैं क्रय शक्ति समानता के स्तर पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना अनुकूल आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है निवेशकों के लिए भारत आकर्षण स्थल बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा महामारी गरीबी और असमानता भारत से मिले साक्ष्य शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सहायता से अत्यधिक गरीबी का स्तर घटकर जीरो पॉइंट आठ प्रतिशत पर आ गया है यह आकलन वर्ष 2004-5 से कोरोना काल वाले 2020-21 के बीच का है निस्संदेह कोरोना काल में गरीबी घटाने के सरकारी प्रयासों को झटका लगा किंतु आईएमएफ की रिपोर्ट संकेत करती है कि तालाबंदी से रोजगार छिन जाने और विस्थापित होकर गांव देहात पहुंचे कारा कामगार निराशित नहीं थे सरकारी सहायता ने भी उन्हें बड़ा सहारा दिया यह सहजता से कहा जा सकता है कि घरेलू स्तर पर अपनी नींव सुदृढ़ करने के साथ नया भारत वर्ष में वैश्विक कूटनीति के शिखर पर भी होगा सितंबर 2023 तक भूमाफिया राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा से संबंधित संगठन संघाई सहयोग संगठन और शक्तिशाली आर्थिक समूह जी ट्वेंटी की नवंबर 2023 तक भारत अध्यक्षता करेगा यह हमारे देश की ताकत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, की टिप्पणी का युद्ध का दौर नहीं वैश्विक विमर्श के केंद्र में रही विश्व में भारत की बढ़ती स्वीकारता की झलक अमरीकी खुफिया एजेंसी सी के मुखिया विलियम बर्न्स के हालिया वक्तव्य से भी मिली कि भारत का रुख यूक्रेन पर रूस की ओर से परमाणु हमले की आशंका को टालने का माध्यम बना दरअसल भारत का बढ़ता सम्मान केवल व्यक्तिगत नहीं अपितु एक राष्ट्र के रूप में भारत के प्रति आमूलचूल वैश्विक परिवर्तन को रेखांकित करता है 2015 से प्रतिवर्ष 21 वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने से लेकर वैश्विक प्रतिबंधों के बीच भारत द्वारा रूस से अपनी आवश्यकता हेतु ईंधन का आयात और रूस के खिलाफ खुलकर न जाने के बाद भी रूस विरोधी शक्तिशाली देशों से अपने संबंध कमजोर नहीं होने देना इसका ही प्रत्यक्ष प्रमाण है राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भी भारत की प्रगति संतोषजनक है जम्मू कश्मीर और पंजाब में कुछ विवादों को छोड़कर शेष भारत में कहीं भी कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ सीमा पर दुसाहस करने पर पाकिस्तान और चीन को उन्हीं की भाषा में जोरदार जवाब दिया जा रहा है नक्सली हमलों में भी सत्तर प्रतिशत गिरावट दर्ज हुई है इस मोर्चे पर हमारे कदम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं किंतु अभी भी कुछ दूरी तय करना शेष है आखिर यह कैसे संभव हुआ भारत में मई 2014 से प्रचंड बहुमतधारी और राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली केंद्र सरकार की विदेशी घरेलू नीतियाँ और जनकल्याणकारी योजनाएँ और अभूतपूर्व घटनाक्रम इसकी प्रमुख वजह है जिनके बल पर भारत का आभा मंडल सदियों बाद फिर चमक बिखेर रहा है विदेशी आक्रांताओं के घृणा प्रेरित चिंतन और गुलाम मानसिकता से ग्रस्त पूर्ववर्ती दृष्टिकोण को पीछे छोड़ते हुए आज भारत विदेशी मापदंडों एजेंडों के अनुरूप चलने के बजाय अपने हितों को केंद्र में रखकर देश विश्व के सब देशों से अपनी शर्त पर संबंध प्रगाड़ कर रहा है वसुदेव कुटुंबकम मूल मंत्र के साथ विश्व कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे कई संकटग्रस्त देशों को रसद वित्तीय आपूर्ति करके उन्हें राहत उपलब्ध करा रहा है वर्ष 2023 विश्व के लिए कैसा होगा यह काफी कुछ चीन रूस पर निर्भर करता है बीते दो दशकों से चीन वैश्विक आर्थिकी में अहम भूमिका निभा रहा है अपने साम्राज्यवादी रुख रवैये के कारण चीन के पहले से ही कई देशों में तल्ख संबंध हैं वहां से निकली कोरोना की लहर यदि विश्व के दूसरे हिस्सों में कहर मचाती है तो उसके प्रति वैश्विक धारणा और खराब होगी इससे वैश्विक आपूर्ति भी ठप हो सकती है इसी प्रकार यदि रूस यूक्रेन युद्ध जारी रहा तो दुनिया को और गंभीर संकट में पहुंचा सकता है जहां तक बात भारत की बात है तो सरकार और समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी क्षमता के साथ आंतरिक बाह्य चुनौतियों विशेषकर मजहबी कट्टरता और विकास विरोधी कवायदों से अवगत है केरल में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के विरुद्ध चर्च प्रेरित हिंसक प्रदर्शन के साथ इस साल अमरावती में उमेश कोल्हे और उदयपुर में कन्हैयालाल की जिहादियों द्वारा नृसंत हत्या इसके बड़े प्रमाण हैं आशा है कि वर्ष दो की तुलना में 2023 अधिक मानवीय कल्याणकारी और शांतिमय होगा धन्यवाद